नमस्कार, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम रिजवान खान है। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष की। रुद्राक्ष क्या होता है, रुद्राक्ष कैसे बना, रुद्राक्ष का महत्व क्या है, रुद्राक्ष का अर्थ क्या है, रुद्राक्ष कितने प्रकार का पाया जाता है, रुद्राक्ष कहाँ मिलता है, और असली रुद्राक्ष और नकली रुद्राक्ष की पहचान कैसे करें, और रुद्राक्ष कैसे धारण करें, उसकी विधि विधान क्या है, मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि रुद्राक्ष का मतलब क्या है, उसका अर्थ क्या है। रुद्राक्ष को अगर हम दो शब्दों में अलग अलग करें, दो शब्दों में, तो रुद्र और अश्क। अश्क जो है आंसू, हम कहते हैं ना अश्क आंसू। रुद्र माने शिव, शिवा यानी भोलेनाथ, शिवजी, शिवजी यानी रुद्रा, और अश्क यानी आंसू, यानी वो शिवजी का आंसू है। ग्रंथों और शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि भोलेनाथ साधना कर रहे थे, ध्यान मग्न होकर एकाग्रता के साथ साधना कर रहे थे। अचानक उनकी आंख से एक आंसू गिर पड़ा। जमीन पर जब गिर पड़ा वो, तो वहां रुद्राक्ष के पेड़ का निर्माण हो गया। उसी में कई प्रकार के रुद्राक्ष, यानी एक से लेकर 35 मुखी तक रुद्राक्ष उस पेड़ के अंदर आ गए। वो रुद्राक्ष के फल के अंदर ही आपको रुद्राक्ष मिलेगा, लेकिन वो रुद्राक्ष के बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा कि वो रुद्राक्ष की पहचान हम कैसे करें कि वो असली है या नकली है। जो आदमी, जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है, जो व्यक्ति रुद्राक्ष को धारण करता है, उसको कभी भी उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी। असली रुद्राक्ष जो 5 और 6 मुखी हो, अगर वो रुद्राक्ष धारण करता है, तो उसको कभी भी जीवन में ब्लड प्रेशर की शिकायत नहीं होगी। मानसिक संतुलन उसका नियंत्रण में रहेगा, काबू में रहेगा। और रुद्राक्ष की महत्व जो है, उसका इतना महत्व है कि अगर रुद्राक्ष जो धारण कर ले, उसको कभी भूत प्रेत, जादू टोना, आला बला उसके आसपास भी नहीं आएगा, और अगर होगा तो खुद निकल जाएगा, क्योंकि रुद्राक्ष की वो खास बात है। शिव का रूप है, शिव के आंसू है, जब वो हमारे गले में है तो फिर किस बात का डर। भूत प्रेत अघोरा, अघोर, अघोरी, जिसे मैं कह सकते हैं हम शिवजी, तांडव रूप, रुद्र रूप, तो रुद्र और अक्ष, रुद्राक्ष दोनों शब्दों को मिलाने के बाद बनता है। कहा जाता है कि रुद्राक्ष के ऊपर जल चढ़ाना शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने के समान है। रुद्राक्ष की पूजा करना यानी कि शिवजी की पूजा करने के बराबर है। रुद्राक्ष को पहनने के बाद आपका मन बिल्कुल शांत हो जाएगा। आपका आंतरिक मन और बहिर्मन यानी सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस माइंड दोनों चेतना में आ जाएगा, और मानसिक स्थिरता, जो आपका मानसिक संतुलन अगर बिगड़ा हुआ है, तो वो भी आपका नियंत्रण में आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि रुद्राक्ष की पहचान हम कैसे करें कि वो असली है या नकली। आजकल नकली रुद्राक्षों का बहुत चलन है बाजार में, हर चीज का आर्टिफिशियल बना दिए, जो चीज आए उसका नकली बना दिए। जो चीज बाजार में आती है, चाहे वो देवी देवताओं से संबंधित हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक से हो, चाहे किसी चीज से भी हो, डुप्लीकेट बनी जाता है। उसी तरह रुद्राक्ष के भी डुप्लीकेट बना दिए कि नकली रुद्राक्ष बाजार में आ गया। असली रुद्राक्ष को अगर हमको पहचानना है, तो अगर हम 4-5 रुद्राक्ष लें और एक पानी के गिलास में अगर हम उसको डालें, तो असली रुद्राक्ष नीचे जाकर पानी के तल पर बैठ जाएगा, और नकली रुद्राक्ष तैरता रहेगा, क्योंकि वो घास फूस लकड़ियों से बनाया हुआ होता है, तो वो तो ऊपर ही आ जाएगा, नीचे जाएगा ही नहीं। और दूसरी चीज है कि अगर हम असली रुद्राक्ष को 2 तांबों के बीच में अगर रखें, 2 तांबों के और सिक्कों के बीच में अगर रखें, तो बीच में असली रुद्राक्ष घूमना शुरू करेगा। ये उसकी शक्ति है, ये उसकी खास बात है।
रुद्राक्ष एक से लेकर 35 मुखी रुद्राक्ष तक पाए जाते हैं। आपको एक से लेकर 14, 15, 16 रुद्राक्ष तक तो बड़ी ही आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आपको 16, 17, 18 से लेकर 35 मुखी रुद्राक्ष तक मिलना बहुत मुश्किल है। अगर मिल गया तो ये आपके नसीब। वैसे भी कहते हैं कि एक मुखी रुद्राक्ष या तो राजा का होता है या भिखारी के पास होता है, क्योंकि ये कोई आम रुद्राक्ष नहीं है जो आपको आसानी से मिल जाएगा। ये सारे रुद्राक्ष आपको असली सिर्फ नेपाल में मिलेंगे, हमारे हिंदुस्तान में भी है, मिल जाएंगे आपको कहीं ना कहीं। वो तो आपकी नसीब, आपके ढूंढने के ऊपर है कि आपको असली रुद्राक्ष। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अगर हम रुद्राक्ष की अगर माला बना ले और उस माला से हम मंत्रों का जप करें, कोई भी मंत्र हम जो शांति कर्म के लिए पढ़े या अपने अच्छे के लिए स्वार्थ के लिए अगर हम पढ़ते हैं उस मंत्र को, या हम मंत्रों का पुनर्चरण कर रहे हैं, तो अगर हम उसका सीधा सीधा अगर हम उसका एक वैज्ञानिक सिद्धांत देखा जाए, तो हम अगर रुद्राक्ष की माला का जप जप करते हैं अनामिका उंगली से अगर हम करें, तो उसका सीधा प्रभाव हमारे हृदय पर पड़ेगा, यानी दिल पर पड़ेगा, जिससे हमारे आर्टरी ब्लॉकेज जो हमारी नसों में जो जो रक्त का जो क्लॉट बन जाती है ना, जो जिससे हमारा सर्कुलेशन ब्लड का बंद हो जाता है या ब्लड, तो उस पर प्रभाव पड़ने से वो धीरे धीरे खुलने लगता है। क्योंकि हम रुद्राक्ष में हो सकती, रुद्राक्ष को हम अगर हाथ में भी धारण करें तो भी हमारी सारी बीमारियां खत्म हो जाएंगी, रुद्राक्ष को अगर हम गले में धारण करें तो भी हमारी सारी परेशानियां खत्म, रुद्राक्ष को अगर हम कलाई में बांध सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष को हम अंगूठी बनाकर नहीं पहन सकते ना। रुद्राक्ष को जो माला से हम धारण करते हैं या जो माला हम पढ़ते हैं, उस माला को कभी गले में नहीं पहनना चाहिए। गले में पहनने की माला अलग होती है और रुद्राक्ष पढ़ने की पुनर्चरण मंत्रों का पुनर्चरण करने वाली माला अलग होती है, दोनों को अलग अलग रखा जाए। एक मुखी से रुद्राक्ष जो है वो आसानी से तो नहीं मिलेगा, लेकिन अगर आपको मिल गया तो ये आपकी नसीब। आप उसे ताबीज की तरह भी बनाकर पहन सकते हैं गले के अंदर, या उसकी माला बना करके भी आगे पीछे हम चांदी या तांबा लगा करके भी हम उसको सजा के जिस तरह से हमें बनाना हम बना के पहन सकते हैं। इसका बहुत महत्व है। रुद्राक्ष एक से लेकर 35 मुखी होते हैं। मैं आपको एक एक रुद्राक्ष के बारे में आगे चल के बताऊंगा कि एक मुखी से लेकर 35 मुखी रुद्राक्ष तक किस तरह से हमारे शरीर के लिए कैसे काम करते हैं। अगर आपको रुद्राक्ष के बारे में और भी जानना हो तो आप शिवपुराण या हमारे अन्य शास्त्र जो हिंदू ग्रंथ है, हिंदू तंत्र से संबंधित है, आप उन्हें उठाकर देख सकते हैं। उनमें आपको उनके बारे में बहुत ही उसका महत्व समझाया गया है कि वो किस तरह से हमारे शरीर के लिए और हमारे स्वास्थ्य के लिए और हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। ये आप जब तक रुद्राक्ष धारण नहीं करोगे गले में, या रुद्राक्ष ओरिजिनल आप लेकर अपने हाथ में देखोगे नहीं या उसका अनुभव नहीं करोगे, तब तक उसके बारे में आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए एक बार रुद्राक्ष जरूर ले, क्योंकि रुद्राक्ष वो चीज है कि जैसे कोई बच्चा है उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, अगर आप उस बच्चे को कहें कि ले बेटा रुद्राक्ष की माला से कुछ नहीं, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का भी अगर वो जप करे 108 बार, तो भी उसका मन, मैंने जैसे कहा सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड स्थिर हो जाएगा, चेतना में आ जाएगा, काम करने लायक बन जाएगा, और जो उसकी बुद्धि जो भी वो याद करेगा उसके दिमाग में वो अच्छी तरह से बैठ जाएंगे। कोई बीमार है तो आप उसको पानी में रुद्राक्ष को डालकर थोड़ी देर उस पानी को भी अगर आप रख कर उसको पिलाओगे तो भी वो रुद्राक्ष बहुत काम करेगा। अगर वो तांबे का लोटा हो और उसमें रुद्राक्ष की माला छोड़ दें हम, तो भी आप उसको पिलाओगे तभी भी वो रुद्राक्ष बहुत काम करेगा। स्वास्थ्य के लिए, शरीर के लिए देखा जाए तो रुद्राक्ष के बहुत उपयोगी है, बहुत ज़्यादा उसके फायदे हैं। ज़रूरत है तो सिर्फ अनुभव की, विश्वास की, श्रद्धा की, क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं है। नमस्कार, खुदा हाफिज़।